नमस्कार, आप देख रहे हैं एस आर अशोक नगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस आर अशोक नगर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अशोक नगर से संबंधित तमाम जानकारियों की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अशोकनगर कलेक्टर बीएस जामोद ने अशोकनगर जिले में चल रही समर्थन मूल्य की खरीदी में अनियमितताओं को रोकने एवं किसानों के अलावा किसी दूसरे व्यापारी या अन्य की फसल समर्थन मूल्य पर ना पाए, इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर ने के निर्देश पर जिले की सभी मंडियों के व्यापारियों का स्टॉक चेक कराया जा रहा है, जिसमें राजस्व खाद्य एवं मंडी प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त टीम को जाँच के लिए भेजा गया था। बीते दिनों मुंगावली में दो दुकानों पर संदेह की स्थिति को देखते हुए उन्हें सील कर दिया गया है, जबकि अशोकनगर में एक व्यापारी के यहां 40 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया, जिसके व्यापारी कोई कागजात नहीं बता सका, इस कारण इसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस दौरान एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है। अशोकनगर जिले की सभी मंडियों में आपने जांच कराई है, तो किस तरह की जांच है और किस तरह का एहतियात बरत रहे हैं इसको लेकर? देखिए, अशोकनगर जिले में गेहूं, चना, सरसों, मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी चल रही है और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। साथ ही जो एक बार व्यापारी ने माल क्रय कर लिया है, वो माल वापस रोटेट होके खरीदी केंद्र पर नहीं पहुँचे। इसी एहतियात को दृष्टिगत रखते हुए हमने जितने भी मंडियां हैं उन मंडियों में व्यापारियों के गोडाउन को चेक कराए हैं। उसमें ये भी देखा गया है कि व्यापारी ने अभी तक कितना गेहूं, चना, मसूर, सरसों क्रय किया है, उनके पास अभी वर्तमान में स्टॉक कितना है और बाहर भेजा है तो कितना भेजा है। इस तरह से स्टॉक वेरिफिकेशन करने के पश्चात ये स्पष्ट हो जाएगा कि व्यापारी ने इस तरह से कोई दुरुपयोग तो नहीं किया। अभी कल जो जांच की है उसमें सारी मंडियों में जांच की है, मुंगावली में आज भी जांच की कार्रवाई चलेगी। अशोकनगर मंडी में 40 क्विंटल चना संदिग्ध अवस्था में था, उसको जब्त कर लिया गया है। साथ ही वहाँ की जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसको भी जब्त किया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कार्रवाई लगातार कंटिन्यू चलेगी या कुछ समय विशेष के लिए है? देखिए, लगातार तो नहीं, पर हाँ, ये समय समय पर चलती रहेगी। मतलब इसका उद्देश्य ये है कि किसानों के लिए जो बिकने वाला वो है, वो व्यापारी उस पर ना, किसानों का माल है, किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और किसानों को अपना उचित मूल्य मिले और सही समय पे उनकी तुलाई हो जाए, ये मेन मकसद। सर, पिछली वर्ष ये देखी गई शिकायत भी आई थी कि इस समय ऐसी चीजें आई थी, कई व्यापारियों के माल समर्थन मूल्य पर या खरीद केंद्र पर पहुंच गए थे, तो क्या इस कार्रवाई को इस तरह से माना जाए कि वो सब चीजें रुक सकें या ना हो पाए, इस दिशा को लेकर भी मान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। खेल भावना के साथ खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ी जीवन में आगे बढ़ें, ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का भरपूर लाभ उठाएं, इस आशय के विचार कलेक्टर श्री बी एस जामोद द्वारा सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के शुभारम्भ अवसर पर व्यक्त किए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री तिलक सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री जय कुमार सिंघाई, जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री रमेश ओझा, जिला खेल अधिकारी संचिता राठौर, खेल प्रशिक्षक श्री अरुण रघुवंशी एवं ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण लेने वाले पंजीकृत बच्चे उपस्थित थे। कलेक्टर श्री बी एस जामोद ने कहा कि स्वस्थ तन से ही मन स्वस्थ रहता है, स्वस्थ शरीर के लिए अपनी सुविधा एवं पसंद का खेल खेलना अति आवश्यक है। खेल प्रशिक्षण शिविर में समय का सदुपयोग कर खेल प्रतिभा को निखारें, साथ ही खेल का भरपूर आनंद प्राप्त करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खेल की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल का भी महत्व होता है, बच्चे खेल के प्रति अपनी रुचि रखें तथा बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर नए मुकाम को हासिल करें। उन्होंने कहा कि नए जुनून के साथ खेलों को सीखें और अपने खेल पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार हितेन बुधौलिया ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बचपन का यह दौर हर बच्चे के लिए जीवन भर का सबसे सुनहरा और यादगार समय होगा, इसलिए अपने बचपन का खुलकर आनंद लें। खेल शिविर के माध्यम से बच्चे अपनी अंदर की प्रतिभा को निखारें। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर खिलाड़ी पुरस्कृत भी हुए। नई दिल्ली में कराटे प्रतियोगिता में
जिले के बच्चों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने एवं अतिथियों द्वारा ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले दीपक, करिश्मा, नीरज, अनमोल तथा मानसु शामिल हैं। खेल सामग्री वितरित कार्यक्रम के दौरान खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों को खेल सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर कराटे, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट तथा हॉकी के प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की गई। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ बैडमिंटन खेलकर किया। इस अवसर पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान कलेक्टर बीएस जामोद एवं पुलिस अधीक्षक श्री तिलक सिंह द्वारा बैडमिंटन खेलकर खेल प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले बच्चों को बैडमिंटन कोर्ट सौंपा एवं किट प्रदाय की। पहले हमेशा 30 दिन का लगता था, लेकिन इस साल 45 दिन का रखा गया है। इसमें टोटल 8 गेम है जिला लेवल में और ब्लॉक लेवल में। हर जगह पे मतलब हर ब्लॉक में अलग अलग गेम्स है, कहीं 3 गेम्स है, कहीं 4 गेम्स है। अपने यहाँ पे इस बार 8 गेम रखा गया है और जहाँ पे मतलब 8 गेम ऐसे चूज किया गया है जो गेम्स स्पेशलाइज्ड कोच है जिनके, है ना। और 45 दिन का रहेगा, आज से शुरुआत हो गई है और शुभकामना दीजिए। सोमवार को नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू जी ने वार्डों में पानी सप्लाई हेतु टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कार्यक्रम सोमवार को दोपहर को राजमाता चौराहा पर हुआ, जहां नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू जी ने टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू जी ने बताया कि 288 रुपये प्रति चक्कर से ट्रैक्टर चलेगा और एक बार में 6 चक्कर लगाएगा। इस प्रकार कुल 1730 रुपये में प्रतिदिन प्रति बारद में टैंकरों से पानी सप्लाई होगा। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू ने इस मौके पर कहा है कि नगर के किसी भी वार्ड में पानी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, नगर का कोई नागरिक प्यासा नहीं रहेगा। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू, विधायक प्रतिनिधि पहलवान साहू।